Narcotics Control Bureau seized a massive haul of drugs worth 480 crore off the Gujarat coast. They arrested six Pakistani nationals who are suspected to be involved in this gang. The NCB says they are suspecting the involvement of a big Pakistani syndicate. We spoke with a top NCB officer for more details. Sir, ye jo drugs pakdi hai, kaise pura ye jo syndicate hai pakda gaya aur ye log arrest hue hain wo kahan ke hain? मुझे खुशी है कि एनसीबी ने सागर मंथन नाम के ऑपरेशन में ये दूसरी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसमें मेरा आभार इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस को है, जिनकी मदद से हमने ये जॉइंट ऑपरेशन करके 62 किलो मेथैम्फेटामिन पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और छः नागरिक पाकिस्तान के इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। सर, बार बार ऐसा होता है, अभी हाल में जो खेप पकड़ी गई हैं उनमें पाकिस्तानी जो कनेक्शन है वो सामने आता है, तो क्या रोल रहता है इन लोगों का, कहाँ से खेप आती है, कौन इसके पीछे है? एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछली खेप थी वो हाजी सलीम या उर्फ हाजी मोहम्मद, जो भी नाम का व्यक्ति है, उसने भेजी थी और ये खेप भी उसी के ग्रुप की, उसी सिंडिकेट का ये माल है। ये ग्वादर पोर्ट से इन लोगों ने सामान एक बड़ी नौका में लोड किया और इंडियन वाटर्स की तरफ आए। यहाँ पे पहुँचने के बाद इन्होंने वायरलेस से अपने साथी को इंडिया में संपर्क करना था और कुछ एक हमें फ़ोन नंबर्स मिले हैं जिनकी जांच अभी जारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी एनसीआर या पंजाब का कनेक्शन सामने आ रहा है, जल्द ही हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे।